Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholar. In this video, I'll be discussing about the encapsulation technique of Java. So let's start. So what does encapsulation mean? Encapsulation basically is a technique, or you can say a principle of Java, that is used to hide the complexity of a program. Okay, or you can say it is used to hide the private data of a class from outside world or from outside classes. ठीक है, अगर आपने कोई भी एक क्लास बनाई है, उस क्लास में कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर किया है. ठीक है, नाउ यू डोंट वांट कि कोई भी आउटसाइड क्लास या फिर कोई अनदर क्लास उन प्राइवेट मेथड, उन प्राइवेट वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सके. तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. इनकैप्सुलेशन टेक्निक के थ्रू वी कैन एक्सेस दोज प्राइवेट वेरिएबल्स यूजिंग पब्लिक मैथड. ओके, इंस्टीड ऑफ एक्सेसिंग द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास डायरेक्टली, उन वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है वाया मैथड. इसी को हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ द डेटा. हम लोग ने क्या किया, बाइंड कर दिया वेरिएबल्स को टू द मैथड्स. नाउ वी कैन एक्सेस दोज वेरिएबल्स वाया यूजिंग मैथड्स ओनली. ठीक है, एंड इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन टेक्निक कहा जाता है. ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ वी कैन यूज द इनकैप्सुलेशन टेक्निक इन जावा. ओके, लेट सपोज आई हैव अ क्लास दैट इज इनकैप्स. ओके, एंड नाउ आई एम हैविंग टू वेरिएबल दैट इज इंट ए एंड डबल बी. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस दीज टू वेरिएबल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं एक मेन मैथड क्रिएट करूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट्स. ओके, नाउ आई कैन एक्सेस दीज टू वेरिएबल्स दैट इज इंट ए एंड डबल बी इन मेन मैथड. ओके, सो हाउ कैन आई डू दिस, आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर इनकैप्स क्लास एंड देन आई कैन एक्सेस दोज वेरिएबल्स इनकैप्स एंड देन ओ बी डॉट ए इज लेट सपोज 1 and ob dot b let's suppose 2.3. okay, now I can print them, system dot out dot print ob dot a and system dot out dot print ob dot b. ओके, सेव करते हैं इसको. मैं कंपाइल करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ. ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया 1 and 2.3. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट मेथड तो मेरे पास क्या हो गया कि मैंने क्लास में जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उनको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया. बट दिस इज़ नॉट द राइट मैथड टू एक्सेस द वेरिएबल ऑफ अ क्लास. द बेस्ट वे एंड द राइट वे इज टू एक्सेस दोज वेरिएबल्स यूजिंग मैथड्स. ओके, सो वॉट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ मैथड वॉइड, लेट सपोज द नेम ऑफ द मैथड इज, सो वॉट कैन आई डू, आई कैन क्रिएट अ मैथड, लेट सपोज द नेम ऑफ मैथड इज सेट. हम एक मैथड ले लेते हैं टू सेट द वैल्यू ऑफ इंट ए बी एंड ए बी में वैल्यू, ए में मैं वैल्यू असाइन करूँगी ए बी की जो भी पास हो के आएगी. ओके, और एक और मैथड क्रिएट कर लेते हैं दैट इज गेट, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए. These methods are public methods. Using public methods, we will access those variables. And as it is an integer value, so it will return integer value. Now, in main method, we will not pass these values like this. Now we will access these variables using method that is set. ob dot set में मैंने let suppose value pass की 2. okay, इसको हम अभी comment बना देते हैं and now here I'll call the get method get. okay, अब इसको मैं execute कराती हूँ. ये देखिए आपका हो गया control F11, ये आपके पास output आ गया 2.
यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने इस वेरिएबल दैट इज इंट ए को एक्सेस किया वाया अ मैथड इंस्टीड ऑफ एक्सेसिंग दोज वेरिएबल्स डायरेक्टली. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि आप वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के बजाय उनको एक्सेस करें यूजिंग मैथड. मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेरिएबल्स को बाइंड कर दिया विद द मैथड्स एंड नाउ यूजिंग मैथड्स वी आर एक्सेसिंग वेरिएबल्स. ओके, सो दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन टेक्निक. नाउ इफ आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और द सेफ्टी टू द प्रोग्राम or the variables of that program, then what I can do, I can make these variables as private and now I am accessing these variables only using these methods. Okay, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी concept को हम लोग क्या बोलते हैं, encapsulation. हमने क्या किया, यहाँ पर private variables को हमने bind कर दिया with the method. Now using methods only we can access those private variables और इसी technique को हम क्या कहते हैं, encapsulation. ओके, सो बेसिकली जावा यूजेस सेटर्स एंड गेटर्स फॉर इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू गेट एंड द सेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. सो डायरेक्टली वी हैव द कोड फॉर दिस. सो जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड देन गो टू सोर्स, वेयर सोर्स दिस देयर, एंड देन क्लिक ऑन जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स. Okay, now I have two variables here, so I'll create getters and setters for both and then okay. Okay, ये देखिए आपके पास getters and setters दोनों के लिए मैं अपना जो प्रोग्राम लिखा था उसको डिलीट कर देती हूँ. देखिए आपके पास आ गया है get the value of a के लिए get a and set करने के लिए values को set a function. ऐसे ही b के लिए get b and set b. get function क्या करेगा, it will get the value of the variable and set क्या करेगा, उसकी value को just set कर देगा. okay, so अब इसको हम एक बार print करके देखते हैं. print करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ob dot set. Now I'll set the value of b also, that is 2.3 let's suppose. Okay, and here I'll write ob.get. Okay, I'll have to change the name of the functions also, set a and then set b. Okay, aise hi get a and get b. Okay, now execute it. See, it's showing 2 and 2.3. See what I did here, I have declared these variables as private. Now I cannot access these variables directly outside this class, that's in caps. Okay, in order to access these variables outside of this class, I will have to use these public methods. Okay, and this technique is known as encapsulation. Okay guys, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ. एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू, गुड लक.